बागेश्वर धाम, जहां के मुख्य पुजारी धीरेंद्र शास्त्री ने सोमवार को एक प्रवचन के दौरान अहम बयान दिया है। आइए जानें पूरी बात। बागेश्वर धाम के मुख्य पुजारी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने सोमवार को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कमलनाथ के निमंत्रण पर प्रवचन के लिए एक सभा को संबोधित करते हुए एक साहसिक बयान दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को भगवान शिव को समर्पित मंदिर बताया। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि ज्ञानवापी मस्जिद सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, बल्कि वास्तव में भगवान शिव का मंदिर है। धीरेंद्र शास्त्री की टिप्पणी ने एक बहस छेड़ दी है। बागेश्वर सरकार ने इस विचार का समर्थन किया है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सनातन धर्म का अनुयायी है। यह बयान छिंदवाड़ा में कमलनाथ के प्रवचन के जवाब में आया है, जहां उन्होंने अपने कार्यों में भगवान राम की प्रासंगिकता पर जोर दिया था। छिंदवाड़ा में धीरेंद्र शास्त्री की 3 दिवसीय राम कथा शनिवार को शुरू हुई और आज समाप्त हो गई। इस कार्यक्रम को जनता का उल्लेखनीय ध्यान मिला। संबंधित घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में चल रहे ASI सर्वेक्षण ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। सर्वेक्षण में मूर्तियां, त्रिशूल और कलश जैसे हिंदू प्रतीकों की खोज का दावा किया गया है। हालांकि अंतिम रिपोर्ट के इंतजार के बीच संतों और धर्मगुरुओं के बीच चर्चाएं तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई संतों की भावना का समर्थन करते हुए इस मामले को तूल दिया, जिन्होंने पहले ही सबूतों के आधार पर ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर कहना शुरू कर दिया है। इसी बीच बागेश्वर में धीरेंद्र शास्त्री की आध्यात्मिक यात्रा ने एक अनोखा मोड़ ले लिया। राम कथा प्रवचन के साथ साथ उन्होंने सिमरिया हनुमान मंदिर के पास एक दिव्य दरबार की शुरुआत की। इस आयोजन का उद्देश्य लोगों को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी समस्याओं पर खुलकर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। धीरेंद्र शास्त्री ने उपस्थित लोगों को अपने मुद्दों को कागज के टुकड़ों पर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया, जिन्हें बाद में उनके साथ साझा किया गया। इस बातचीत में कई प्रतिभागियों को सांत्वना मिली और उनके मुद्दों को उत्साह के साथ संबोधित किया गया। We will keep you updated as the case progresses. Subscribe to GudGav Mail and stay tuned.